मैं जरूर आपको जो भी हम सहयोग दे पाएंगे, डीडीएम साहब तो हैं ही यहाँ पे, आरओ की तरफ से भी जो भी आपको सहयोग चाहिएगा हम जरूर करेंगे। एक मार्केटिंग का जो फैसिलिटी है, अलग अलग जगह पे एग्जीबिशन लगती है नाबार्ड की, अलग अलग राज्यों में, हम जयपुर में भी लगा रहे हैं क्रिसमस के टाइम पे, उसमें भी आपको जरूर अवसर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलेट्स आजकल बहुत चर्चा में है और बिल्कुल सही भी है, वाजिब है, तो इसमें हमने कई तरह के प्रयास किए हैं, कई इंस्टीट्यूट से भी टाई अप किया है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम चाहेंगे स्टेट लेवल पे कुछ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बन जाए, क्योंकि आप एक बिस्कुट बना के किसी को कुछ दिन आपने चला दिया कुछ, लेकिन ऐसा कुछ लंबे टाइम का कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम खाते वही मैदे वाले बिस्कुट ही हैं, तो ये कब होगा कि जब आप किसी के घर में जाएँ आपको बाजरे के बिस्किट मिले, तो उस दिशा में हमारे प्रयास रहेंगे और मुझे आपके कामों से बहुत इसमें उम्मीद मिली है। एक और जो अच्छा काम आपके यहाँ पे हुआ है ONDC पे जो रजिस्ट्रेशन की है, ONDC जो है एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी कोई भी आइटम जो है डिस्प्ले कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसमें थोड़ा सेल की फिगर अभी कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम प्रयास करके उसको भी आगे बढ़ा पाएंगे, और डिजिटल मार्केटिंग में कुछ और भी प्रयास करने होंगे, कुछ मदद करनी होगी तो हम ये जो है ज़रूर मदद करेंगे। LEDP का जो आपका कार्यक्रम है जिसके सर्टिफिकेट आज दिए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि जो महिलाएं LEDP की ट्रेनिंग जिन्होंने प्राप्त की है वो अच्छे से अपना काम करेंगी और ज़रूर घर में जो इनकम का एक नया साधन जो है दे पाएंगी, और बैंकों से जो भी ऋण की सुविधा है, दो दो बैंकर आज सीनियर बैंकर मेरे साथ बैठे हैं और बाकी भी बैंकर जो है वो आपको जो भी ऋण की सहायता चाहिए उस एक्टिविटी में मदद कर पाएंगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो बच्चे हैं स्किल डेवलपमेंट पे भी मेरा विशेष फोकस रहता है, तो इस साल का जो है मेरा, मैंने जो टारगेट था वो पूरा हो गया, हेड ऑफिस को मैंने लेटर भी लिखा कि मुझे और टारगेट दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजस्थान के बच्चों को स्किल दे पाएँ, क्योंकि हर बच्चा अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो IIT में जाए, डॉक्टर बने, लॉ करे, या ये बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, हम बच्चों के जो है ना बहुत साथ उनका रास्ता बहुत सीमित कर देते हैं, उससे क्या है फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप शुरुआत कर सकते हैं, और जो युवा जागृति संस्थान एक अच्छा काम कर रही है इसमें, तो इसमें हम जरूर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, और जिस तरह की आपकी फैसिलिटी आपने बनाई है तो एक प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग अगर आप दे पाते हैं तो ज़रूर युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छा लक्षण है, तो इसमें ज़रूर हम आपके साथ सहयोग चाहेंगे। और इसमें मैं जो नाबार्ड की जो फिलॉसफी है, हम जो संस्थाओं को, हम ये नहीं मानते कि हम देनदार हैं वो लेने वाले हैं, ऐसा नहीं मानते, हमारा यही रहता है कि ये हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं और इनके सहयोग से ही हम फील्ड पे कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम आप तक कभी नहीं पहुँच सकते थे, तो हम अपनी सहयोगी संस्थाओं को बिल्कुल साथ लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि आज मैं एक दूसरे प्रोग्राम में भी गया था तो सभी महिलाएं जो थी वहाँ पे, काफ़ी बड़ी संख्या में भी थी, 25-30 रही होंगी, सभी पर्दे में थी वो, और मैंने थोड़ा रिस्क भी ले लिया वहाँ पे, क्योंकि कई बार लोग बुरा ही मान जाते हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि ये एक जो महिलाओं का पर्दे में रहना जो है ना, ये एक बैकवर्डनेस है, इसको, इससे हमें बाहर निकलना है, लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि आप सब जो है बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ बैठे हैं और पर्दे जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसके लिए आप सब, तो ये तो महिलाओं के लिए तो इतनी बड़ी लड़ाई है कि पर्दे से बाहर निकलना ही एक स्ट्रगल थी, तो आप उससे निकले हो और आप अपना काम करने लगे हो, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बहुत समय से आप बैठे हुए हैं, आप सबका, युवा जागृति संस्थान का, LDM साहब का, RM साहब का, आप सबका बहुत बहुत सस्ता, और सबसे ज़्यादा सभी महिलाएं और बच्चे जो इतने समय से आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में से पार्टिसिपेट किया और हमें ध्यान से जुड़ा, धन्यवाद।